बमों और गोलियों से दहला बागमारा थाना क्षेत्र। बागमारा में एक बार फिर वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष सर चढ़कर बोल रहा है। आज दूसरे दिन भी बागमारा थाना अंतर्गत ब्लॉक 2 के नथखुर की कोल डंप में ढुल्लू समर्थक, लोकल सेल मजदूर और जलेश्वर समर्थक आमने सामने दिखे। दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद लूती पहाड़ी चौक पर बमों और गोलियों की बौछार भी हुई। घटना से इलाका पूरी तरह दहल उठा। घटना की सूचना बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू घटनास्थल पर पहुंची, जहां से दो जिंदा बम और गोली के खोखे भी बरामद किए गए। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वहां घटना से गुस्साए ढुलू समर्थकों ने बागमारा थाना परिसर के समक्ष जमकर हंगामा किया, साथ ही बम कांड के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल डीएसपी के प्रयास से कोल डंप में कोयला लोडिंग सुचारू कर लिया गया है, साथ ही कई अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूरा बंधा हुआ फेस, पूरा खाली आंख, अपाचित। सबसे झगड़े नहीं होता है, न लोहा है न ग्रास है। देखिए बात ऐसा है कि हम लोग शांति पूर्वक नदखर की कोल्लम में अपना जो गाड़ी लोडिंग का कार्य कर रहे हैं वो हम लोग शांति पूर्वक चल रहा है। दम का सचिव है और कुछ दिन से जलेश्वर महतो का समर्थक अन्य गुंडा लोग 10 गो आके यहाँ पर रंगदारी असूलने का काम कर रहा है और हम लोग का जो मजदूरी है वो बोलता है कि नहीं देंगे और जबरन आके यहाँ पर सुबह शाम 10 वो गुंडा आके और धमकी देता है और यहाँ से भागने के लिए प्रेरित कर रहा है। 3 दंगल का पेमेंट बाकी है, प्लस जो कोयला का पैसा जो लगता है वो तो सब कोई जानता है और जो मुंशी खटता है 40 को आदमी खट रहा है उसका पैसा ये नहीं दे रहा है। हम लोग मांग है, मांग नहीं जो है, जो हम लोग का कुछ मांग नहीं है, जो सिस्टम है यहाँ हम लोग का एक सिस्टम मुंशी का जो एक सिस्टम बना हुआ है आज 25 बरस से, उस सिस्टम के आधार से हम लोग अपना काम करते हैं और आज तक करते आए हैं। पहले दो गाड़ी का दे चुका है, एक सप्ताह से अभी गाड़ी जो लोड किया लेबर उसका पैसा आज तक नहीं दिया है, तो ये कौन रंगदारी है? यहाँ इन लोग का साजिश है कि बवाल करके और डंप को बंद कर देना है, इसका यही नीति चल रहा है। प्रशासन तो मौजूद है, प्रशासन अपना बात कर रहा, पूछ रहा है। अब देखिए 10 मिनट का टाइम लिया है कि हम बात करते हैं, रुक जा, तो हम लोग रुके हैं। अगर यदि जबरदस्ती कांटा करा तो हम लोग कांटा में सब सूतेंगे, गाड़ी चढ़ा के ले जाए। ये ढुलू महतो का जो आदमी है वो लोग रंगदारी के चलते गाड़ी नहीं घुसने दे रहा है। उन लोगों का कहना है कि प्रति टन हम लोग 100 रुपये रंगदारी मिलेगा तो हम गाड़ी घुसने देंगे, नहीं तो गाड़ी नहीं घुसने देंगे। जो पेमेंट तो हमारे पास है, लेबर को मना कर रहा है कि जो लेबर उसे लोडिंग लेगा उसका हम सरदारी काट देंगे, लेबर से हटा देंगे, इसलिए डर से नहीं ले रहे पैसा वो लोग। अभी तो है वही कांटा पर रोक रहा है वो लोग, कांटा नहीं होने देंगे गाड़ी। JH09Q9655 अभी उधर पीछे है, ये लोग बोल रहे हैं कांटा पर आएगा तो रोक देंगे, नहीं होने देंगे। प्रशासन से हम लोग गुहार लगाए हैं, इंस्पेक्टर साहब को भी बोले हैं, मैनेजमेंट के लोगों को भी बोले, सबको बोले हैं कि सर ये लोग कांटा नहीं होने दे रहा है, सब लोग बोल रहे हैं हम लोग पहल कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने FIR दर्ज कर लिया है अज्ञात के विरुद्ध और इस संबंध में अभी हम लोग जाँच भी करेंगे कि क्या घटना घटी और किस तरह से मतलब इस तरह से चीज़ों को किया गया है। कितने गोलियों ने किया था सूचना मिल रही है? अभी तो दो बम छोड़ने की बात की जा रही है और 8 से 10 राउंड की बात की जा रही है, तो हम अगल बगल के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और इसको वेरीफाई कर रहे हैं। शिकायत शिकायत उन्होंने अपनी तरफ से एक FIR
ज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया है, उन्होंने किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। कितने लोगों को जानकारी दी है इस संबंध में? उन्होंने एफआईआर में सूचना दी है, इसको कभी डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा। इस संबंध में हम अपने सोर्सेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे और गहन छानबीन करके इस मामले का तहकीकात करके बात का पता लगाएंगे और रोकथाम का जो प्रयास है वो हमेशा जारी रखेंगे। क्या चलन था, प्रचलन था पहले से, वो उसके बारे में सभी को मालूम है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि वर्तमान स्थिति में सभी लोगों को बराबर मौका मिले और ये वर्चस्व की जो बात है इस पर हम लोग रोकथाम लगाएं। हम लोग इस पर रोकथाम लगाएंगे, हमारे पास पर्याप्त सोर्स है, फोर्स है हमारे पास, और इस तरह की घटना जो भी हो रही है इसको रोकथाम के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अगर वैसे असामाजिक तत्व है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में अपना मुख्य रूप से रोल निभा रहे हैं, तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उसके